हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे के बाद से लोगों के मन में ये सवाल उठने लग गए कि आखिरकार ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल ये हादसा इतना दर्दनाक था कि जब बस पलटी तब उसमें सवार बच्चे चीखने चिल्लाने लग गए। गुरुवार सुबह एक निजी स्कूल की बस अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई है और मौत की संख्या बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों के घायल होने की सूचना है। यह हादसा कनीबा कस्बे के नजदीक कनीना दादरी सड़क मार्ग पर हुआ। जानकारी कहती है कि उन्हानी गांव के पास बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी। ये बस निजी स्कूल जीएल पब्लिक स्कूल की थी, जिसमें लगभग 35 से 40 बच्चे थे। बताया गया सरकारी छुट्टी के दिन भी स्कूल लगाया जा रहा था। बच्चों को लेने के लिए स्कूल से बस भेजी गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तब तक 5 बच्चों के शव निकाले जा चुके थे, जबकि एक की हालत गंभीर थी जो अस्पताल पहुंचने के बाद वेंटिलेटर पर था। बाद में उस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया और मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर हो गई 6। ये लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रोन डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पर डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। उस समय SDM साहब तुरंत आ गए थे। उन्होंने पूरे प्रशासन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए। उन बच्चों की कंडीशन काफी ठीक है। कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशन नॉर्मल है सभी बच्चों। कौन से स्कूल की बस थी? GL स्कूल की बसेस बता रहे हैं। कहाँ के थे बच्चे? ये तो देखो अलग अलग गांव के थे, हमें तो पता नहीं किस गांव के थे। उस समय हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को बचाना, हमारा उद्देश्य था कि उनको पहले फर्स्ट एड डाले, जो बच्चे बच सकते थे उनको बचाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया। 5 कैजुअल्टी 4 ब्रोन डेड थे, 1 कैजुअल्टी यहाँ पे हुई है क्योंकि वो वेंटिलेटर ट्रेन के व्यस्त था, उनका भी हम बचाने की पूरी कोशिश थी लेकिन नहीं बचा पाए। हादसे के बाद बच्चों को रेस्क्यू करते स्थानीय लोगों का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में साफ दिखा कि हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़ गए, आसपास खून से लथपथ बच्चे भी नजर आ रहे थे, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है हादसे के समय बस में 40 लोग थे। ईद की सरकारी छुट्टी वाले दिन भी स्कूल लगाया जा रहा था। इसके बाद से स्कूल मैनेजमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आज ईद उल फित्र का त्योहार पूरे देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, इस पर सरकारी छुट्टी की भी घोषणा थी। इसके बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस स्कूल द्वारा कक्षाएं लगाई जा रही थी। नियमों को ताक पर रखकर बच्चों को बस से स्कूल ले जाया जा रहा था। पुलिस प्रशासन अब स्कूल के खिलाफ इस एंगल से भी जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। स्थानीय लोगों की माने तो जैसे ही स्कूल बस पलटी घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई, बच्चे चिल्लाने लग गए, हर कोई बस के नीचे दबे बच्चों को निकालने में लगा था। बस के पलटने से बच्चों के हाथ पैर और सिर पर गंभीर चोटें आईं। कुछ बच्चों के सिर और हाथ पैर से खून बह रहे थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।